Yes, good morning, Beta. Let's continue with the revision of polynomial. We were doing identities topic. So we have to start with question number 11. In question number 11, you have to apply the next identity. That is the last identity of this topic. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to, it's equal to 10. A plus B plus C in the first bracket. Then in the second bracket, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए हैं ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है और वन मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से वन नंबर का क्वेश्चन बनता है. क्या हुआ आशना, आप ऑनलाइन क्लास में आंसर क्यों नहीं करते? मैंने कितनी बार आपको अनम्यूट किया लेकिन कभी भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आता क्लास में, ऐसा आपका भी नहीं. देखो ये क्वेश्चन में फोर टर्म्स है और फॉर्मूले में भी यहाँ फोर टर्म्स है, तो आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड. आपने इस फॉर्म में आंसर देना है, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, सी की वैल्यू z. तो बस यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, इस फॉर्मूले में. वन बाई टू को बाहर आने दो, पहले एक्स को पूरी ब्रैकेट से, फिर वाई को पूरी ब्रैकेट से, फिर जेड को पूरी. वन बाई टू को सबसे लास्ट में डील करें. वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं, बस आप एक बार देख लो, तो मल्टीप्लाई का इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आ जाएगा, कभी आया नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक बार करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा आपको, 5-10 मिनट में हो जाएगा. गलत कर रहे हैं ना, आपने होल क्यूब तो बनाया ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब बनाना है पी एक्स y की, ये z की, a की वैल्यू 3x है, 27 लिखते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, 12 से रहने दो, सॉल्व करना मेरे अकॉर्डिंग, आप कर लेना एक बार साहब, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं. अच्छा एक बात सुनो, देखो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में मेरे हिसाब से, या हो सकता है एग्जांपल दिया हो, ठीक है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन दे रखा है, या एक्स्ट्रा मैं आपको दे दूंगी इस टाइम पे. अब यहाँ देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो जाए तो इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइड पूरी क्या हो जाएगी, जीरो. इसका मतलब देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से फोर जो है पार्ट टर्म्स ये इक्वल टू क्या हो जाएंगी, जीरो.
ये कब होगा, जब तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ए बी सी को इधर ले आओ, यहाँ पे जीरो है ना, ये देखो ऐसे। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो ये पूरी साइड मल्टीप्लाई होके जीरो हो, तो आपका बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री ए बी सी। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैं इसके साथ ही करवा रही हूँ। आप पहले फॉर्मूला लिखोगे कि अगर तीनों का सम जीरो होता है तो इसका आंसर थ्री ए बी सी आता है। ये न्यू फॉर्मूला बन गया, नाइन्थ फॉर्मूला ऐसा बन गया एक तरह से। अब आपको कहते हैं ये इसका आंसर निकालो। देखो इधर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड द आंसर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब तीनों का सम क्या होगा, जीरो। तो तीनों का सम निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी मतलब माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आएगा आंसर, जीरो आएगा ना। माइनस 12 प्लस 12 जीरो आएगा, इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। मैंने अभी आपको बोला कि तीनों का सम अगर जीरो है तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ए बी सी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ए बी सी, मल्टीप्लाई कर देना इसको, आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इनका अलग अलग क्यूब नहीं निकालना, सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर लिखना है 3 ए बी सी। और ये आंसर कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करो, सारे करो नेक्स्ट पार्ट। पहले फॉर्मूला लिखना है कौन सा, ये कि तीनों का सम अगर जीरो है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या है, 3 ए बी सी। फिर इस पे अप्लाई करो, ठीक है, करो सेकंड पार्ट। नहीं बनानी, नहीं बनानी, सीधा आंसर क्या लिखा था, कोई बात नहीं, उसको लिख लेना, पढ़ लेना, ए प्लस बी प्लस सी करके लिखा दो, अब करो अपना काम। हाँ ये ए है 20 है, बी 15 है, माइनस सी भी लो, एक तीनों का सम करो, ए प्लस बी प्लस सी, देखो जीरो आता है, नहीं सेंटर में मेन पार्ट में, ये दिखाना है कि जीरो आएंगे, इतना नहीं है जीरो, ये शो करना है कि आंसर जीरो आएगा। जीरो आ गया, अब आंसर निकालो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या आएगा, कोई ऐसा है जिसको ये पार्ट समझ में ना आया हो, आपको समझ आ गया,
मतलब पहले आपने ये शो करना है कि जो तीन नंबर दिए हैं उनका सम जीरो है। अगर उनका सम जीरो है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, थ्री ए बी सी, तीनों की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते, बस वो आंसर है। मतलब क्यूब करना नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है उसके, ठीक है, क्लियर है। वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जो वन मार्क का, बाकी सारे तो टू थ्री मार्क्स में बनते हैं, ये सिर्फ वन मार्क का। नहीं इसको नहीं करना, इसको करना चाहिए, बिना क्यूब फाइंड किए इसका आंसर निकालना, करो मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, जो मर्जी कर दो, आइडेंटिटी नहीं लग रही है क्योंकि 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 25 तो है, 12 नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करो 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बता रही हूँ मैं, इसलिए सिर्फ छोटा क्वेश्चन ही लिया। फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 6 is, 6 के फैक्टर करने हैं, 2 3 सा 6 और 2 प्लस 3 क्या होता है 5, ठीक है, तो इसके फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर करेक्ट होने चाहिए, दूसरी बार साइन करेक्ट होना चाहिए। अगर फैक्टर करेक्ट है साइन करेक्ट है तो क्वेश्चन ठीक हो जाए, अगर फैक्टर रॉन्ग है तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, फिर फैक्टर नहीं बन कॉमन नहीं आएगा। x स्क्वायर इसके फैक्टर बन गए 2x और 3x, साइन अभी डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे माइनस 5 चाहिए, इसको क्या करें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, देख लो प्लस करके माइनस 5 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 बन रहा है, आपको प्लस 6 ही चाहिए था, साइन जरूर चेक करना, साइन के बिना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या कॉमन है x, इसमें क्या कॉमन है माइनस 3 कॉमन, क्या कॉमन है कि ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं आती तो समझ लेना आपने कोई मिस्टेक है। ये है मिडिल टर्म्स, ठीक है, करो 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आ जाओ सामने, बुक कर
प्राइम फैक्टर करो ना, आपने लिख के फैक्टर किए, जो बड़ा नंबर है ना तो वर्ग ही नहीं होते फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स करो। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, करो ना फर्स्ट नंबर को लास्ट तक 300 आ गया, 300 से प्राइम फैक्टर इक्वल 300। पहले 10 दिल से पकड़ो फिर काम करो। हां 10 ऐसे पकड़ा जैसे आसान हो, हां ऐसे ऐसे ही पढ़ा है, काम दिल से करोगे तभी आएगा करने, ऐसे थोड़ी हो जाने क्वेश्चन। करो अब इसमें से फैक्टर दो के पेयर बनाओ, इसमें मल्टीप्लाई करके 300 आए, मल्टीप्लाई तो फिगर मत करो ना, अपने आप बनेगा क्योंकि उसी के लिए, बस 35 बनना चाहिए प्लस माइनस करके बनाओ। बताना नहीं फैक्टर को, बताना उसको करने दो, करो आप नेक्स्ट करो। तो फिर ऐसे नहीं होता बेटे, जैसे 3 5 जा 15 2 जा 30 ऐसे 30 ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई करके ना दो नंबर बनाने बड़े, जैसे सपोज करो आपने बनाया 20 और 15 मिला के 35 बनता है, और 20 × 15 300 होता है। क्या आ रहे हैं फैक्टर, यही आएंगे क्योंकि देख के पता चल रहा है, क्योंकि 35 को ब्रेकअप करना है ना, 35 का मतलब है ऐसे दो पार्ट जिनको प्लस करके 35 बने, तो 20 और 15। अब ऐसे तो ले नहीं सकते कि 17 और 18 ले लो, तो 17 तो प्राइम है वो तो बनेगा नहीं, तो ऐसे नंबर लेने हैं जिससे प्लस करके वो 35 बन जाए, तो एक आएगा 20 दूसरा आएगा 15, दोनों के साथ आएगा साइन कौन सा, नेगेटिव। आलो जसलीन नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी सेकंड पार्ट करो। आगे कर लो, एक क्वेश्चन और भी है इसके बाद वॉल्यूम वाला।
What happened? गुरशान आपने पढ़ना स्टार्ट करा है? घर पे पूछ रही हूँ मैं, सेल्फ स्टडी पढ़ लो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सारे लेने हैं मल्टीप्लाई करके, दो पेयर दो बनाने हैं। सेवन और फाइव थोड़ी सी तो थोड़ी ले सकते हैं, सेवन और फाइव तो ट्वेल्व है। इन सबको मल्टीप्लाई करके बनाना, मतलब दो कोई इधर से दो कोई इधर से दो, मल्टीप्लाई करके दो नंबर में सॉल्व करना, सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई रहना नहीं चाहिए। 420 आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है बोलो मत। टू टू द फोर सेवन, फोर द 28, फाइव थ्री द 15, 28 माइनस 15 13। अब मल्टीप्लाई सबको करना है, 2 2 जा 4, 7 4 जा 28 हो गया, ये बच गई 7, 5 3 जा 15, 28 माइनस 15 13 बोले। क्या है नेक्स्ट करो, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, सेम है ऐसी करो। दो ही तीन बनेंगे, वॉल्यूम में तीन थ्री एक्स कॉमन ले लो, वन एक थ्री हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, एक कॉमन इधर प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस है ना, इसमें से माइनस कॉमन आएगा, माइनस कॉमन इधर प्लस है, ये होगी लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, चलो
3x ब्रैकेट में x माइनस 2, लेंथ 3 ब्रेथ x, हाइट x माइनस 2, बस हो गया। 3x ही कॉमन आ रहा है और कुछ तो आ ही नहीं रहा, वो हो गया। देखो लेंथ क्या है, थ्री मीटर लिख, थ्री यूनिट्स दी हुई है, यूनिट चेक करना दी हुई है। रीड, आपने क्वेश्चन रीड करा, आगे स्टेटमेंट दी हुई है कोई? नहीं दी हुई, यूनिट्स थ्री यूनिट्स, हाँ लेंथ ब्रेथ नहीं, मल्टीप्लाई, ये लेंथ ये ब्रेड, ये हाइट, जैसे ये लेंथ ये ब्रेड थी ना, इसके दो फैक्टर थे, इसके फैक्टर वही आ रहे हैं, लेंथ 3 ब्रेड क्या आएगी x यूनिट्स, हाइट क्या आएगी, हाँ यूनिट्स, एक पार्ट और है। दिव्या आ जाओ, करो एंड विद दिस सेकंड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर पॉलीनोमियल। इधर अंजी दीदी बहुत अच्छी बात कह रही थी, अपना भी खा ले सर। करें ना, सब में से के कॉमन ले लो, पानी फिर इजी हो जाएगा, के कॉमन ले लो, फोर आएगा, फोर के कॉमन ले लो, अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में है ना, इसको मिडिल टर्म फ्लोटिंग से सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व, 3 5 15 के फैक्टर, 5 3 15, 5 3 के होते हैं, इजी है ना, जो छोटे नंबर होते हैं यू कैन डू देम वर्बली, और जिसके फैक्टर बड़े आते हैं, जो बड़ा नंबर होता है मल्टीप्लाई करते हैं उसके सॉल्व करने पड़ते, पेयरिंग करने पड़ते।